सीजीटेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट, बीटेट, जेटेट, पीटेट, एचटेट, एचपीटेट, एटेट, यूकेटेट, इन सभी टेट के प्रश्नों का समावेश। पर्यावरण अध्ययन कक्षा पहली से पांचवी के शिक्षकों हेतु विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित सॉल्व पेपर। 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला है, ध्रुव तारा कहा जाता है, तो इसका उत्तर है उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। यह आसमान में उत्तर की दिशा की ओर स्थित रहता है, जो देखने पर सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है, उसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में पोल स्टार भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इसे दिशा सूचक भी कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, इसका उत्तर है 1973 ईस्वी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया था। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजाति लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो वन्य जीव अधिनियम 1972 2006 में संशोधित के तहत कार्य करता है। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे कान्हा है तो कान्हा मतलब कृष्ण, और कृष्ण को और क्या बोलते हैं, माधव कहते हैं, तो माधव से मध्य प्रदेश आप याद रख सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, और तब से यहाँ पर कई लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत लिया गया था। यह दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों का संरक्षित क्षेत्र है। दलदली हिरण को बारह सिंहा के रूप में जाना जाता है। काला हिरण, कृष्ण मृग भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं, जबकि तमिलनाडु में वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलय राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदर राष्ट्रीय उद्यान तथा गुजरात में गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था, इसका उत्तर है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ए.सी. मजूमदार थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, इसका उत्तर है गुजरात में। इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे ग से गधा तो ग से गुजरात।
जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। भारतीय जंगली गधा गुजरात के बड़े कच्छ के रण और छोटे कच्छ के रण में स्थित भारतीय वन्य गधा अभयारण्य में पाया जाता है। इसे स्थानीय गुजराती भाषा में घोड़ा प्यूर भी कहते हैं। खारी मरुभूमि रण, शुष्क घास के मैदान और झाड़ीदार मैदान इत्यादि इस वातावरण की विशेषताओं में शामिल है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, इसका उत्तर है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन करता है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो कार्बन डेटिंग के जरिए कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 एक तरह से कार्बन का ही रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्थ आयु काल 5730 साल का है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है, जिसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया था। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, जिसे 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। बायोमैग्निफिकेशन है, इसका उत्तर है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, जैविक आवर्धन, अजैव निम्नीकरण, व्यर्थ पदार्थ जैसे पीड़कनाशक कीटनाशक उत्पादकों से होकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश पाते हैं तथा उनका उच्च पोषी स्तरों में सांद्रण जैविक आवर्धन कहलाता है। उच्च पोषी स्तरों पर इन हानिकारक पदार्थों की बढ़ती हुई मात्रा उपापचयी क्रियाओं जैसे वृद्धि विकास और जनन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, इसका उत्तर है कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, इसका उत्तर है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। यह संगठन वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, परमाणु विरोधी मुद्दों, वाणिज्यिक फेलिंग, ओवर फिशिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुद्दों पर केंद्रित है। ग्रीन पीस के 55 से अधिक देशों में कार्यालय है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विश्वव्यापी पर्यावरण निकाय है और स्थापित विश्व प्रकृति संगठन WNO 2014 में स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 1972 में स्थापित हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN 1948 में स्थापित हुआ। अंत सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल IPCC 1988। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF 1991। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्या मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि इसका उत्तर है रैन सैडो प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन रैन सैडो प्रभाव के कारण शुष्क है। इन वनों में वार्षिक वर्षा 900 से 1500 मिलीमीटर तक होती है और वर्षा मुख्य रूप से जून से सितंबर के महीनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार का पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली तीन प्रमुख नदियों गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित बड़ी संख्या में 12 मासी नदियों का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित दर्रे भी स्थित है जो इस प्रकार है। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा तिरुअनंतपुरम व मदुरई को जोड़ता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है सौर्य स्थिरांक। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण सौर्य स्थिरांक कहलाती है। पृथ्वी की वायुमंडल परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थिर खुले क्षेत्र के परि एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं, जबकि इस क्षेत्र से सूर्य और पृथ्वी औसत दूरी पर माना गया है। अनुमानतः इसका सन्निकट मान 1.4 kg प्रति सेकंड वर्ग मीटर तथा 1.4 kW प्रति वर्ग मीटर है। सौर स्थिरांक उपयोग उस दर को मापने के लिए किया जाता है जिस पर एक इकाई सतह सोलर पैनल पर या ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर स्थिरांक का सर्वोत्तम प्रत्यक्ष माप उपग्रहों से लिया जाता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक का उपयोग सौर स्थिरांक की गणना के साधन के रूप में भी किया जा सकता है।
जबकि सौर ऊर्जा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? USSR। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान USSR रूस से लिया गया है, जबकि USA संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां लिया गया है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। यह घाटी केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह विश्व विरासत पश्चिमी घाट का हिस्सा है। स्थानीय लोग इसे सैरंध्रीवन कहते हैं। शांत घाटी की सुरक्षा के लिए शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत 1973 सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये क्या है? असत्य है। LPG मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। पारिस्थितिक तंत्र के घटक है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिक तंत्र के घटक जैविक तथा अजैविक पदार्थ है। जैविक घटक, इस घटक में सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक घटकों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में आएगा जीवाणु, शैवाल। उपभोक्ता तीन प्रकार का है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता है गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण आदि। द्वितीयक उपभोक्ता है सांप, भेड़िया आदि। और तृतीयक उपभोक्ता है बाज, शेर, बाघ आदि। अपघटक बैक्टीरिया, कवक। अजैविक घटक ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक होते हैं। अजैविक घटक भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक। तो भौतिक कारक है तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। अकार्बनिक कारक है जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक कारक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। मकर रेखा है तो इसका उत्तर है 23.5 साउथ, दक्षिण। साढ़े 23.5 साउथ या भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, जबकि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 को अंटार्कटिक और उत्तर में 66.5 अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसको याद रखेंगे आप, जो उत्तर होता है उत्तर में आपका कर्क रेखा होता है, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में होता है मकर रेखा। उत्तर में होता है कर्क रेखा,
और दक्षिण में होता है मकर रेखा, वैसे ही 665 अंश उत्तर में होगा आपका आर्कटिक और दक्षिण में होगा अंटार्कटिक। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर ए जी टांसले। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज पारिस्थितिकी विद ए जी टांसले ने अपनी इकोलॉजी 1935 पुस्तक में किया था, इसलिए ए जी टांसले को पारिस्थितिकी तंत्र का के जनक के रूप में जाना जाता है। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है? इसका उत्तर है मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। घास स्थली पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, गिद्ध। तो घास उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता, सर्प तृतीय उपभोक्ता, गिद्ध मांसाहारी। नोट, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 के यूपी टेट में इस प्रश्न का उत्तर जीवाणु माना था। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है, जबकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है, तथा क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। क्षोभ मंडल में ही सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं बादल, आंधी एवं वर्षा घटित होती है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। जैविक विविधता के सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम बनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण जैव विविधता विरासत स्थल निम्नलिखित है: कमरू नाग झील हिमाचल प्रदेश, नल्लूर इमली ग्रोव कर्नाटक, पन्नी वेली चिरा केरल। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती। जैविक खेती कृषि करने की प्रक्रिया संरक्षण में सहायक है। जैविक खेती में परंपरा, नवसृजन और विज्ञान का समन्वय करके परिवेश का अधिक लाभ उठाया जाता है और सभी संबद्ध पक्षों के बीच समुचित संबंध और अच्छे जीवन स्तर को बढ़ावा दिया जाता है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि जैविक खेती कृषि उत्पादन में स्थिरता बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। सिक्किम जैविक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 2022 तक पूरे राज्य एवं आंध्र प्रदेश में 2027 तक जैविक कृषि के अंदर लाने का लक्ष्य रखा है। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से कम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की आर्द्रता से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाता है। अम्लीय वर्षा जली व स्थली दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र मृदा किसी पाइपलाइन के क्षरण के साथ साथ
भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव डालती है। इसी कारण से मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली गैस SO2 आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। WWF से आशा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से आशा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है, जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड है, जिसका प्रतीक चिन्ह जॉइंट पांडा है। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है तथा इसके रख रखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। इसे फूलों की घाटी विश्व संगठन द्वारा सन 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जबकि सिक्किम में युथांग घाटी तथा हिमाचल प्रदेश में चुंबी घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी आदि स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्ष राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जलवायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। कोटापेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है एंडीज में। कोटापेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वत श्रृंखला के इक्वाडोर देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है, जबकि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सान ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है, जबकि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलायु हवाई द्वीप पर स्थित है। इसमें आप याद रखेंगे इसका जो है, इसमें जो आपका है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सान ज्वालामुखी है आपका एकांकागुआ, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग हिमानी समुद्र तल से 5,150 मीटर से निकलती है तथा बहते हुए आगे भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, जिसे असम में इस नदी को दिवांग दिहांग नाम से जाना जाता है तथा आगे बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलकर मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में दिवांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिरी आदि है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और असम में कहते हैं आपका दिवांग दिहांग।
नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित।